कहने को तो नागपुर महाराष्ट्र की उपराजधानी कहलाता है, लेकिन नागपुर शहर के अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत इसाशनी के वार्ड क्रमांक 2 ओम नगर व शिवनगर के लोग मूलभूत सुविधाओं के लिए ही तरस रहे हैं। जब हमने वास्तविकता जानने के लिए विशेष रूप से दौरा किया और क्षेत्र की जनता से इस विषय पर बातचीत की तो उन्होंने आप बीती हमें बताई, रहवासियों ने बताया कि वर्षों से निरंतर जिस वार्ड में जिस जगह पर वह लोग निवास कर रहे हैं वहां ना तो पेयजल की व्यवस्था है और ना ही सड़कों की। रहवासी अपनी व्यथा सुनाते हुए इतने भावुक हो गए थे कि उनकी आंखों से आंसू निकल पड़े और वही हमें धन्यवाद देते नहीं थक रहे कि कम से कम आप तो हमारा हाल जानने के लिए आए। जब उन्होंने हमें बताया कि हम वर्षों से यहाँ पर रह रहे हैं, समय समय पर टैक्स भी भरते हैं, जब वोटिंग का समय आता है तो जनप्रतिनिधि वोट मांगने जरूर आ जाते हैं, लेकिन उसके बाद हमारी समस्याओं पर अमल करने वाला यहाँ पर कोई है ही नहीं। हम अपनी गुहार लेकर कई बार प्रशासनिक पंचायत में गए, सरपंच सचिव से लेकर उच्च अधिकारियों को हमारी समस्याओं से अवगत भी करवाया, परंतु आज तक हमारी समस्याओं पर अमल करने वाला हमें नजर ही नहीं आया। मजबूरी वश हम लोगों को हमारे वाहन हमारे अपने घरों तक नहीं पहुंच पाने के कारण घर से दूर सुनसान जगह पर खड़े करके अपने घरों तक जाना होता है। ऐसे में अगर वाहन चोरी होते हैं या फिर किसी प्रकार से कोई अनहोनी होती है तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। यहाँ तक भी हम सहन कर लें, परंतु हमारे घरों में जब कोई बीमार होता है या डिलीवरी वाला केस होता है तो उन लोगों को हॉस्पिटल ले जाने के लिए एम्बुलेंस तक हमारे दरवाजे तक नहीं पहुंच पाती। उसका सबसे बड़ा कारण एक यही है कि हमें आज तक सड़कों की सौगात नहीं मिली। हमें तो ऐसा लगता है कि जैसे हम जंगल में निवास कर रहे हैं। हमारी सरकार काफी वादे करती है लेकिन उनके वादों पर क्षेत्रीय प्रशासन पूरा पलीता पोत देते हैं। यहाँ की रोड की समस्या, आमदार आ चुके हैं 2 बार लेकिन उन्होंने कुछ ध्यान नहीं दिए है, और ग्राम पंचायत सदस्य वो भी ध्यान नहीं दे रहे कुछ, क्या क्या करे तो करे क्या, यहाँ बिच्छू निकलते हैं, सांप निकलते हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं स्कूल में जाते हैं तो करते हैं, स्कूल जाने के लिए तकलीफ होती है, ड्यूटी पानी जाने वालों को तकलीफ होती है, दो एक्सीडेंट और कितने के तो दो के आदमी के तो पैर टूट गए, बच्चे गिरते हैं पानी में। कितने सालों से रह रहे हैं आप लोग इधर? हो गया 15 साल, अभी भी रोड नहीं बन रहे हैं, अभी सब टैक्स भरे हैं, सब भर रहे हैं, कोई इधर ध्यान नहीं देता है, सिर्फ चुनाव के टाइम में आएंगे ना, आते हैं बोलते हैं मैं कल डालूंगा परसों डालूंगा, वार्ड मेंबर आते हैं, छोटे इतना बड़ा एरिया के लिए सैंक्शन होता है, 5 गाड़ी मुरुम आती है, 2 गाड़ी मुरुम पाकी मुरुम का है। अरे 2 गाड़ी 5 गाड़ी भी नहीं आता, 2 ही गाड़ी की, वही तो मैं बोला कि 2 गाड़ी आती है बाकी मुरुम पता नहीं कहाँ जाता है, बच्चों को स्कूल में जाना पड़ता है, बहुत दिक्कत होती है। बताइए आपके क्षेत्र में क्या समस्या है? समस्या हमारे क्षेत्र में सबसे पहले रोड की है, बाकी पानी हम कुआं खोद लिए हैं, कोई बोरिंग खोद लिया है, किसी के यहाँ से कोई ले लेता है, पेट भरता है, पानी पीता है, खाता नहाता है। एक बड़ा कुआं है खेती का, उसमें बहुत लोग मोटर लगाए, कितने लगाए मोटर, कितने लोगों की मोटर चोरी हो गई, इनकी मोटर चोरी हो गई है, उसका भरपाई कौन करेगा? टैक्स हम भी भरते हैं, 7-8 साल से हम यहाँ रह रहे हैं, समझे, 7-8 साल से रह रहे हैं। मतलब कितने बार मेन जो मुद्दा है यहाँ पे वो ये है सड़क का, सड़क पानी, जो आवागमन के आप लोगों के साथ में लाइट तो बहुत मुश्किल से हम आई है यहाँ पर, लाइट हम लोग पहले कहाँ से लाए हैं, 4 घर मिलके, कड़वे और हम सिंह करके और एक बिसेन है और एक सोनी करके, हम लोग 20,000 रुपया उधर नाला कुछ बार से लाइट करके लाए, फिर बाद में 2-4 साल के बाद लाइट आई यहाँ पर, और लाइट अब कैसे आई, रोड भी होती तो हम लोग रोड भी ला लिए, एक ही लाइन में आई है लाइट, लेकिन रोड बाकी और लाइन नहीं है कहीं पर, पहले रोड की समस्या है। अच्छा, चप्पल लड़कियाँ बच्चे लोग के कॉलेज जाते हैं, स्कूल जाती है लड़की पढ़ाने नहीं, कहीं और जाएंगे तो बच्चे हाथ में चप्पल लेके जाएंगे, गाड़ी फंस जाएगी कहीं तो कंपनी के लेट हो जाएगा, मालक निकाल देगा, उसका भरपाई कौन करेगा?